गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजब रंग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है एसिड बेस अम्ल तथा क्षार, एसिड बेस। और एसिड बेस के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ा कि एसिड बेस की पहचान कैसी होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसके बाद एसिड और बेस के लिए जो सिद्धांत दिए गए थे, थ्योरी दी गई थी, उनमें से अपन ने सबसे पहले आरहेनियस थ्योरी जो थी, आरहेनियस के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में अध्ययन किया था अपन ने पिछले लेक्चर में। उसके बाद आरहेनियस थ्योरी में कुछ कमियां थी, कुछ पदार्थ या अणु ऐसे थे जिनकी व्याख्या आरहेनियस नहीं कर सका कि ये पदार्थ या अणु जो है वो लुईस अम्ल होते हैं या बेस क्षार होते हैं। उसके बाद अगली थ्योरी है नंबर दो, लेविस थ्योरी या लुईस अवधारणा, लुईस के द्वारा दी गई थी लुईस अवधारणा या लेविस थ्योरी। तो लेविस ने अम्ल तथा क्षार की क्या परिभाषा दी या किस आधार पर लुईस ने अम्ल तथा क्षार को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। तो लुईस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ लुईस अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड, लुईस अम्ल। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वे लेविस एसिड कहलाते हैं। उदाहरण ले अपन AlCl3, एग्जाम्पल AlCl3 और BF3। इस प्रकार से AlCl3 BF3 में एल्यूमिनियम और बोरोन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं या ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो लेविस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की तरह। H2SO4 HCl इन मॉलिक्यूल्स में या इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा त्याग किया गया H+ आयन, ये क्या करते हैं? H+ आयन का त्याग करते हैं या H+ आयन देते हैं, छोड़ते हैं। तो इनके द्वारा दिया गया H+ आयन, दोनों ही कंपाउंड्स के द्वारा, H2SO4 और HCl के द्वारा दिया गया H+ आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो H2SO4 HCl भी क्या हुआ? लेविस एसिड या लुईस अम्ल होते हैं, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। इसके बाद अपन बात करें क्षारों की। लेविस के अनुसार क्षार कौन होते हैं? वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनेट करते हैं, वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, दान करते हैं या डोनेट करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। लेविस के अनुसार उन मॉलिक्यूल्स को लेविस क्षार कहा जाता है। वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, दान करते हैं, डोनेट करते हैं, वे लेविस क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले अपन NH3 लेविस बेस, लेविस बेस में एग्जाम्पल ले अपन NH3 Cl- Br- I- और S2O। ये क्या है? लेविस बेस की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको ये या जिसका ये त्याग करते हैं, दान करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेविस अम्ल लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। लेविस के अनुसार जो पदार्थ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं लेविस अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दान करते हैं या त्याग करते हैं, वे लेविस क्षार कहलाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो
लुईस शार है उसको लुईस शार लुईस अम्ल को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो उदासीनी करण अभिक्रिया में लुईस शार जो है वो लुईस अम्ल को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, लुईस शार इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है लुईस अम्ल को तथा उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब लुईस जो है उसने अम्ल तथा क्षारों की पहचान बताने के बाद या एक तरह से डेफिनेशन देने के बाद इन्होंने क्या किया, लुईस वो सॉरी अम्ल और तथा क्षारों को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, अम्ल तथा क्षारों का वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लुईस अम्लों का वर्गीकरण, लुईस अम्लों का वर्गीकरण या लुईस अम्ल की बाती कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस अम्लों का वर्गीकरण, लुईस अम्लों का वर्गीकरण। अब लुईस अम्ल की तरह या लुईस अम्ल की भांति कौन सा मॉलिक्यूल आयन या परमाणु होगा जो व्यवहार करेगा लुईस अम्ल की तरह, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो या उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ऐसा मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या ऑर्बिटल्स खाली हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो लुईस ने मॉलिक्यूल्स को, आयनों को, कंपाउंड्स को अलग अलग या लुईस अम्लों में विभाजित किया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो धनायन है, लुईस अम्लों का वर्गीकरण, लुईस अम्लों में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, कौन कौन से आयन्स आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिया धनायन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज का प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि जितने भी धनायन हैं सभी धन आवेशित आयन जो हैं वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस के अनुसार जितने भी धनायन हैं, धन आवेशित आयन हैं, वो सभी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। लुईस अम्ल धनावेशित आयन का मतलब क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं कौन, जितने भी सारे धनावेशित आयन है। अपना एग्जांपल ले H+ Na+ K+ H+ Na+ K+ Mg+2, इस प्रकार से सभी जो धनावेशित आयन है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। रीजन क्या है इसका, कि धनावेशित आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वह सभी धातु आयन। दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून योगिक, धनायनों की बात की कि धनायन जो जितने भी सारे धनायन है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यून योगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक ऐसे कंपाउंड या यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट जो है वो अपूर्ण हो, कंप्लीट नहीं हो, सेंट्रल एटम का अष्टक पूर्ण नहीं हो, ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है वे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। तो ये यौगिक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अतः जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, लुईस अम्ल की तरह। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। रीजन क्या है इसका, तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल BF3 AlCl3 BH3 इस प्रकार के कंपाउंड में सेंट्रल मेटल
का या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। BeS2, BCl2 यानी जैसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वे लेविस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। तीसरा लिया है इन्होंने रिक्त डी कक्षक युक्त यौगिक, रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक युक्त यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके पास खाली डी कक्षक प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। केंद्रीय परमाणु ऐसे यौगिक जिनमें जिनके केंद्रीय परमाणु के पास डी ऑर्बिटल खाली हो, रिक्त हो या अवेलेबल हो, खाली कक्षक उपस्थित होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि जिनके पास खाली डी ऑर्बिटल होगा वे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे या करने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वे एटम किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की तरह। यानी कि जिन केंद्रीय परमाणुओं के पास खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वे भी लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं या करते लुईस अम्लों की तरह व्यवहार करेंगे। एग्जांपल है अपन PCl3SF4ClF3 PCl3 ClF4। ये कंपाउंड PCl3ClF4SF4 यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जिनके केंद्रीय परमाणु के पास खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। चौथा लिया इन्होंने असंतृप्त समूह वाले यौगिक, असंतृप्त अनसैचुरेटेड असंतृप्त समूह वाले यौगिक, असंतृप्त समूह वाले यौगिक। असंतृप्त का मतलब क्या हुआ, जहां वे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वे कंपाउंड भी लेविस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। एग्जांपल अपन CO2SO2 सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यानी जिनमें अनसैचुरेशन पाया जाता है वे कंपाउंड भी लेविस एसिड की भांति व्यवहार करते हैं। आगे लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सटक वाले परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक सटक वाले परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक सटक वाले परमाणु जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन सटक वाले परमाणु, वे परमाणु जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूरा कर लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब लेविस एसिड की भांति व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सटक वाले यानी जिन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन कम है उनको एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे, अतः ये भी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल है अपन ओ ऑक्सीजन सल्फर, इस प्रकार के आइटम हैं जो जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे आइटम इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। अगला लिया इन्होंने तो ये था लुईस के अनुसार लुईस अम्लों का वर्गीकरण, लुईस अम्लों का वर्गीकरण, लुईस अम्ल कौन कौन हो सकते हैं। इन्होंने बताया सबसे पहले दनाएं, सभी दनावेशित आयन जो है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, केंद्रीय परमाणु के पास कमी हो, ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं यानी लुईस अम्ल की भांति व्यवहार कर सकते हैं या करते हैं। रिक्त डी कक्षक युक्त यौगिक यानी कि ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के पास
खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, वे भी लेविस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। असंतृप्त समूह वाले यौगिक यानी कि जिनमें अनसैचुरेशन पाया जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। लास्ट के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेटअप वाले परमाणु यानी कि जिन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने वर्गीकरण किया लुईस के अनुसार कौन कौन से परमाणु मॉलिक्यूल्स आयंस क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस क्षारों का वर्गीकरण यानी कि क्षारों की कैटेगरीज में इन्होंने किन किन एटम्स को रखा, आयन्स को रखा, ये देखेंगे अपन। सबसे पहले इन्होंने ऋण आयन यानी कि लुईस क्षार कौन होते हैं, सबसे पहले ये इन्होंने ऋण आयन, सभी ऋणावेशित आयन लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि जितने भी सारे ऐसे आयन हो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ऋणावेशित आयन हो, वे सभी लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब जब उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिनको वे डोनेट या त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो जो एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो किनकी श्रेणी में आता है, लुईस क्षार, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षार यानी कि नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो किसी आइटम के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है। तो जो आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, यानी कि सभी ऋणावेश टाइम लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस ओ एच माइनस, इस प्रकार के आयन है, ऋणावेशित आयन है जो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। SO4 2 माइनस CO3, SO4 माइनस 2 CO3 माइनस 2, यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो वे लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा लिए इन्होंने अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्ति यौगिक, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक, तो दूसरा किसको लिया इन्होंने, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक, या अपन ये भी बोल सकते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है, वे भी लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जिनके ऊपर लोन पेयर पाया जाता हो वे भी उस लोन पेयर को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसका त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो लेविस बेस की तरह व्यवहार करेंगे। यानी कि लोन पेयर उपस्थित हो वे यौगिक जिन पर लोन पेयर उपस्थित हो, अष्टक पूर्ण हो तथा अष्टक का प्रसार संभव नहीं हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो उसके साथ साथ उनका ऑक्टेट जो है वो भी कंप्लीट हो तथा ऑक्टेट का प्रसार संभव नहीं हो, ऐसे यौगिक लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जांपल ले अपन NH3 या हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है H2O और NH3H2O, ये क्या है, यानी कि ऐसे कंपाउंड है जिनके ऊपर जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट और लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, तो ये लोन पेयर को डोनेट करने की या त्याग उसका त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। RNH2 R2NH ROH RNH2 R2NH ROH, ये इस प्रकार के कंपाउंड जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये भी लेविस बेस की तरह व्यवहार करेंगे। ROR ये कंपाउंड इसके एग्जांपल है लेविस बेस की, यानी कि अबंधी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक जिन कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट होता है वे भी लेविस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। तो इन्होंने लेविस
लुईस ने अपनी कंसेप्ट में थ्योरी में क्या बताया, सबसे पहले अम्ल और क्षार की डेफिनेशन या उनकी पहचान। इन्होंने बताया कि लेविस अम्ल वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। और लेविस बेस के बारे में क्या कहा, जो पदार्थ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसका त्याग करते हैं, वे लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। उसके बाद इन्होंने अम्लों तथा क्षारों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी कि अम्ल कौन होते हैं और क्षार कौन होते हैं। तो इन्होंने बताया कि लेविस अम्लों में इन्होंने धनायनों को रखा जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, असंतृप्त समूह वाले यौगिकों और इस प्रकार के जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयनों को इन्होंने लुईस अम्लों में रखा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयन जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो कंपाउंड्स में, या सभी ऋणावेशित आयन जो है यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सभी मॉलिक्यूल्स आयनों को इन्होंने लुईस क्षारों में वर्गीकृत किया। और इसके बाद अपन देखेंगे लेविस थ्योरी की कमियां, यानी कि इसके बाद भी लेविस थ्योरी जो है किन किन पदार्थों मॉलिक्यूल्स के बारे में या उनकी व्याख्या नहीं कर सकती, लेविस कंसेप्ट की कमियां, यहाँ लेविस थ्योरी की कमियां देखेंगे अपन। सबसे पहली कमी H2SO4 HCl, दो कंपाउंड अपने पास अलग अलग H2SO4 और HCl। अब इनके द्वारा जो H प्लस आयन दिया जाता है वो तो लेविस बेस की तरह व्यवहार करता है, यानी कि H2SO4 और HCl के H प्लस आयन तो लेविस अम्ल होते हैं, यानी कि H प्लस आयन के द्वारा दिया गया H प्लस आयन, इधर HCl में से H प्लस आयन दिया गया, तो ये H प्लस आयन क्या करते हैं, लेविस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन इनके अणु जो हैं वो लेविस अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। H2SO4 और HCl लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये लेविस अम्ल नहीं होते। जबकि इनके द्वारा दिया गया त्याग किया गया H प्लस आयन लेविस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। दूसरी कमी, इस अवधारणा के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया में लेविस कंसेप्ट के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया में उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है या बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो उपसहसंयोजक बंध का बनना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन एक धीमी गति की प्रक्रिया होती है, उपसहसंयोजक बंध का बनना एक धीमी गति की प्रक्रिया होती है। जबकि उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, यानी कि अभिक्रिया तीव्र गति की है, यह बताती है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है यानी कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है जो धीमी गति की प्रक्रिया होती है, इसकी व्याख्या लेविस कंसेप्ट नहीं करती। लेविस कंसेप्ट के द्वारा इसका कारण नहीं दिया जा सका कि यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध जो बन रहा है वो एक धीमी स्लो प्रोसेस और यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो स्लो फास्ट प्रोसेस होती है, इसका रीजन जो है वो लेविस कंसेप्ट नहीं बता सकी। अगली कमी है इसकी, लेविस कंसेप्ट अम्ल क्षार की सामर्थ्य को नहीं दर्शाती, यानी कि लेविस कंसेप्ट एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताती। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, इनके बारे में लेविस थ्योरी नहीं बता सकी कि कौन से अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, कौन से क्षार प्रबल क्षार होते हैं। तो ये कमियां थी किसकी, लेविस कंसेप्ट के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसमें कुछ कमियां थी जिनका अभी अपन ने चर्चा की इनके बारे में। तो ये थ्योरी जो है लेविस थ्योरी ये भी कम्प्लीटली एसिड और बेस के बारे में नहीं बता सकी। तो इसके बाद अगली थ्योरी है ब्रोनस्टेड लोरी अवधारणा, तीसरी थ्योरी आई है अपने पास ब्रोनस्टेड लोरी अवधारणा।
रॉन्स्टेड लोरी का उदाहरण। रॉन्स्टेड और लोरी ने एक अलग कंसेप्ट के द्वारा एसिड और बेस को, अम्ल तथा क्षारों को, या अम्ल तथा क्षारों की परिभाषा दी। उन्होंने पहचान बताई एक अलग कंसेप्ट के द्वारा कि एसिड किनको कहा जाता है, किनको कहते हैं, और बेस किनको कहा जाता है। तो इन्होंने एक अलग कंसेप्ट के द्वारा अपना अपना जो सिद्धांत था वो दिया, और अम्ल तथा क्षारों के बारे में एक अलग पहचान बताई इनकी। तो लेविस रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा जो है, इसका दूसरा नाम है संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। रॉन्स्टेड लोरी का दूसरा नाम, यानी इस नाम से इसको जाना जाता है, संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा। संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा तीसरा या तीसरी थ्योरी है जो एसिड बेस के बारे में बताती है। इसकी चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे।